यमराज की आंखों में आंसू आ गए और कहा, रे पापी, तेरे मन में आया कैसे ये? किस तरह आया? इसलिए जाओ बेटा, इस इंद्र सिंहासन के बदले जो आपने दान किया, इसके बदले में आपको आपका जो करोड़ों वर्ष का नरक था वो माफ, लेकिन हाँ, तुझे जाना पड़ेगा धरती पर, राक्षस बनना पड़ेगा। और यदि राक्षस योनि में भी ये बात याद रही तो वहां जाकर भी तू सब कुछ पा सकता है। इसलिए वही श्राबी कबाबी ब्राह्मण एक कजरे के बदले इंद्र सिंहासन पर जाता है और इंद्र सिंहासन को देने के बावजूद भी यहीं आकर के राजा बलि बनता है। और राजा बलि बनने के बाद भी शुक्राचार्य के पास जाकर के ये कहता है, क्योंकि देवताओं ने राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी, अमृत पी लिया था देवताओं ने, तो वहां जाकर के पूछता गुरुदेव, यदि अमृत पीने वालों पर विजय प्राप्त करनी हो तो क्या करे इंसान? कि किसी तीर्थ स्थान पर चला जाए और तीर्थ स्थान पर जाकर के यज्ञ करे फिर। और तीन चीजों का ध्यान रखें, एक आने वाले अतिथि गौ और ब्राह्मण, इन तीनों की सेवा होनी चाहिए। ये खाली नहीं जाने चाहिए, तुम्हारे यज्ञ से पानी पी करके जाए, लेकिन जाए लेकर के कुछ। और यदि ये तीन काम तुम्हारे अंदर बैठ गए तो बेटा तू तो एक राज्य की बात करता है, त्रिलोक विजयी हो जाएगा तू। और वही बलि नर्मदा के तट पर आकर के यज्ञ करता है और ये प्रतिज्ञा कर ली कि कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई अतिथि खाली हाथ ना जाए। और उसको लेकर वह यज्ञ पे यज्ञ हो रहा है और बाकी मेरे भाई उसने देवताओं के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली। और जब देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो सबसे बड़ी चिंता भाई माँ को होती है। यदि किसी का बेटा बेटी परेशान हो जाए तो सबसे बड़ी चिंता माँ बाप को ही होती है। तो इसलिए अदिति अपने पति कैसव के पास गई और जाकर के रोने लगी, पतिदेव मेरे को कोई ऐसा बेटा दे दो जो लड़ाई झगड़ा ना करे और मेरी बेटाओं का राज्य वापस ले आए। उन्होंने कहा, देवी आप पयोव्रत करो। क्या करो? पयोव्रत। फाल्गुने अमले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतम। फाल्गुन मास की प्रतिपदा से लेकर और द्वादशी पर्यंत दूध पीकर के लक्ष्मी नारायण की आराधना करो और यदि स्वप्न में भी आकर के भगवान प्रसन्न हो जाए और यदि स्वप्न में भी वरदान देने के लिए के तो मांग लेना, कुछ जो मांगोगे वही मिलेगा। तो अदिति ने ये पयोव्रत किया है और पयोव्रत करने के बावजूद द्वादशी के दिन रात्रि में भगवान पर आए हैं और भगवान ने कहा, माँ क्या चाहती हो? उन्होंने कहा, आप जैसा बेटा। क्या मांगा? मांगना कुछ और चाहती थी लेकिन उसकी सुंदरता को देख करके बस एक ही बात निकली कि आप जैसा बेटा। भगवान ने कहा, मेरे जैसा तो मां मैं ही हूं, फिर जाओ मैं ही तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। और वो आए फिर वामन भगवान के रूप। कौन आए? कैसव और अदिति के प्रांगण में भाद्र मास का महीना, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि और ठीक दिन के 12 बजे कैसव और अदिति के प्रांगण में भगवान वामन का रूप लेकर के उनके प्रांगण में पधारे। बोलिए, वामन भगवान की जय। वामन भगवान की जय। तंबटं वामनं दृष्ट्वा मोदमानाम हरिषय और कर्माणि कार्यामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। ओ तं वटुं वामनं दृष्ट्वा। क्या जो वामन भगवान का पता चला तो दौड़ पड़े, सारी धरा दौड़ पड़ी रे, ऋषि दौड़ पड़े, महर्षि दौड़ पड़े, चंद्रमा आदि दौड़ पड़े, देवता भी दौड़ पड़े कैसे बरोती थी कि प्रांगण की ओर, क्योंकि हमारे भगवान आए हैं। तो चंद्रमा ने आकर के दंड दिया है, माता अदिति ने कोपिन पहनाया है, देवताओं ने छत्र दिया है, ब्रह्मा ने कमंडलू दिया है, सप्तऋषियों ने कुशक आसन दिया है, सरस्वती ने रुद्राक्ष माला दी है और माँ जगदम्बा ने भिक्षा पात्र दिया है और कुबेर ने उस पात्र में धन डाला है। और ब्राह्मण बालक का जब
यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो उस समय यदि उसके कमंडल में कुछ डाल दिया जाए तो करोड़ों गुना होकर के मिलता है। पहले यज्ञोपवीत संस्कार को बहुत बड़ा महत्व देते थे, शादी से भी बड़ा महत्व। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये यज्ञोपवीत संस्कार को बहुत बड़ा महत्व देते थे, लेकिन आग तो जानते नहीं, ब्राह्मण ही नहीं जानते तो दूसरे कौन जाने। उनको ये नहीं पता यज्ञोपवीत संस्कार क्या होता है। एक संस्कार करवा लेते हैं वो तो जातक कर्म संस्कार या जो मरने पर होता है, और क्या दो संस्कार जानते जीना और मरना, नहीं तो और जितने भी ये जो 14 संस्कार बीच में रहे कोई नहीं जानता। किसी को कुछ पता ही नहीं था, सब धर्म कर्म मिट्टी में मिल गए, इसलिए सब परेशान 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 बुरा। देखिए आज यज्ञ भी संस्कार हो रहा है और वो गुरु को देना पड़ता है, फिर डलवाने के बाद तब बृहस्पति के पास लेकर गए और गुरुदेव कह लेंगे लो गुरुदेव आपकी भिक्षा। बृहस्पति जी ने कहा भाई हमें नहीं चाहिए। क्यों गुरुदेव, क्या गलती हो गई? कि हमारी एक शर्त है, यदि भिक्षा देना चाहता तो हमारा काम करो। क्या? कि हम आपकी भिक्षा ले लेंगे, लेकिन पहले हमारी शर्त है कि आप अपने भाइयों का राज्य हमें वापस ला करके दो। किससे? राजा बलि से। वहीं से प्रणाम किया अपने गुरुदेव को वामन भगवान ने बृहस्पति जी को, और कहा गुरुदेव अब आकर के तभी आपको प्रणाम करूंगा जब अपने भाइयों का राज्य वापस ले आऊंगा। इसलिए वहीं से वामन भगवान चले और चल करके पहुंचे कहां? राजा बलि के पास, नर्मदा तट पर। राजा बलि अपना स्वाहा स्वाहा करे, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वाः, स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति न सारिक्षो अर्षनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पति। वामन भगवान को आते हुए देखा, अरे बोलिए वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जो ही वामन भगवान को आते हुए देखकर स्वाहा करने लगा, तो सामग्री हाथ में ही रह गई, वाणी वही की वही मौन हो गई। और शुक्राचार्य जी ने कहा, ओ बलि तुम स्वाहा क्यों नहीं बोल रहे, तुम आहुति क्यों नहीं डाल रहे हो? के गुरुदेव यदि आपने भी उस स्वरूप को देख लिया आप भी मंत्र बोलना भूल जाओगे, जरा देखो ना मेरे यज्ञ में सूर्य नारायण चल के आ रहे, इतनी बड़ी आभा। शुक्राचार्य ने भी देखा, देखा भाई भले ही सूर्य नारायण ना हो लेकिन चंद्रमा जरूर है। इतने भी तो धीरे 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 करके वामन भगवान नजदीक आ गए, और वहां से बलि दौड़े उठ करके यज्ञ को बीच में छोड़ करके दौड़ पड़े और ब्राह्मण बालक के चरणों में पड़ के कहा, निवेदन किया, क्या? स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम कर वामते, ब्रह्म ऋषि नाम तप साक्षात मन्नित मार्य वपुर्धृतम। ओ स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामि ते, ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। क्या हे ब्राह्मण देवता आपको प्रणाम, तो कहो तो मैं भी प्रणाम कर लूं, तब तक ये कीर्तन करेंगे। स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते, स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते, स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते। Yeah.
वामन भगवान की जय। वामन भगवान पहुंचे हैं, राजा बलि ने स्वागत किया है रे बड़ा प्यारा, और ये कहा है, ये वामन आप कुछ मांगिए ना, कुछ मांगिए ना, कुछ मांगिए ना। लेकिन वो चुप खड़े हैं अपना। अब मांगते क्यों नहीं? हाथ में माला लगी, हो गया बलि। क्यों? क्योंकि इसके हाथ में माला चल रही है भाई। ये बोले कैसे, जब तक माला पूरी ना हो, हाँ तुम तो हाथ में माला रहती हो, हाँ कुछ बर्तन भी खड़क जाए क्या हुआ, ये कोई माला जपना हुआ क्या, हाँ ये जपने का कोई तरीका नहीं है भाई। जपो तो सही, प्यार से जपो, जब तक तो फिर कुछ चाहिए पांच, ये जरूरी नहीं कि तुम 10 घंटे बैठे रहो, तुम 5 मिनट ही बैठे रहो, लेकिन 5 मिनट असली हो, फिर वो नकली नहीं हो। ये जरूरी नहीं है कि तुम सारा दिन बैठे रहो, हाँ और बीच में माला को उठा करके माला हाथ में घूम रही है और खुद भी घूम रहे खड़े खड़े, नहीं ये कोई माला जपने का तरीका नहीं। बल्कि एक तो खुली माला नहीं होनी चाहिए, माला को ढक करके जपो, क्योंकि बाहरी भाग राक्षसों का होता है, यदि बाहर रख करके माला जपते हो तो तुम्हें एक एक जप का भी फल नहीं मिलेगा, सारा राक्षस का भाग है, उसको ढक करके जपो। भजन भोजन और नारी तीनों पर्दे के होते हैं, और जब ये पर्दे से बाहर आते हैं तो फिर अच्छा नहीं होता। इनकी शोभा इसी में है, एक तो भोजन करो तो थोड़ा दूसरों की नजरों को बचा करके, नहीं तो न जाने किसकी नजर लग जाए। हाँ हाँ पक्की, लेकिन आज तो ओपन में करेंगे, दिखा दिखा करके सबको, करो भाई। हाँ बीमारियां तुम्हें लगेंगी, हमें थोड़ी लगेंगी। हाँ नारी का स्वरूप भी हमेशा, क्योंकि नारी एक रत्न है मेरे भाई, ये ध्यान रखना। और जैसे हीरा और मोती आदि इन रत्नों को आप छुपा करके रखते हो, ठीक इसी तरह नारी एक रत्न है। हाँ और यदि बाहर प्रदर्शन की होड़ लगा दी आप लोगों ने तो देख लो क्या क्या कुकर्म हो रहे। आज सच बोल रहा हूं मैं, तो यहां तक कहता हूं कि 60% आज की महिलाएं बगैर बेटे के घूम रही हैं। ये जो नग्न प्रदर्शन की होड़ लगी है इसका परिणाम है वो। साठ परसेंट की बात कर रहा हूं मैं, जो बांझ घूम रहे, उसका कारण यही है कि तुमने अपने आप को गवा दिया। लेकिन यदि तुम शास्त्र पढ़ते तो ये कभी नहीं करते। अरे क्या मां पार्वती को आपने नगन देखा कभी? क्या हमारी दुर्गा मां को नगन देखा है कभी? क्या मां सीता को आपने कोई ऐसा रूप बनाए हुए देखा है जो आप लोग बना बैठे? हाँ नहीं भाई, ये तो गलत बात है, ये कोई मर्यादा नहीं। हाँ और लंबे लंबे नाखून बढ़ा लेंगे इतने इतने, मकैया आ गई सरूपनखा की बहन, और जहां सरूपनखा बनी तो गड़बड़ हुई। हाँ वहां तो फिर लक्ष्मण नाक और कान काटने पड़ेंगे भाई, और क्या करना पड़ेगा। हाँ किसी न किसी को तो लक्ष्मण बनना ही पड़ेगा भाई, लेकिन नहीं, मर्यादा का उल्लंघन है। क्या बन जाओगे तुम नाखून बढ़ा करके? नारी का आभूषण है लज्जा, सबसे बड़ा आभूषण है। जितनी वो लज्जा में रहेगी, जितनी आंखें झुका करके रहेगी, उतनी महान बनेगी। ये नहीं कि हमारी नारियां विद्वान नहीं होती थी या बड़े बड़े पदों पर नहीं बैठी थी, नहीं। अरे मदालसा जैसी नारियां, हाँ न जाने कितनी बड़ी बड़ी विदुषी होती थी, और सब अपने बेटाओं का उद्धार खुद माने किया है, पूरी दुनिया का उद्धार उन नारियों ने किया है। और क्या ये नारी तो है शक्ति? और तुम्हारा तो देश भी मां प्रधान है, तुम्हारे देश को तो मां के नाम से जाना जाता है। हाँ बोलिए भारत माता की। हाँ ये तो शक्ति प्रधान देश है भाई, और यहां की नारियां ही यदि उल्लंघन करेंगी तो आगे अपने भविष्य का क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा रे? हाँ क्या सुधार करोगे आप लोग? इसलिए पहला कर्तव्य है मां का, इतनी छूट ना दे अपनी संतान को कि जो आगे भविष्य में मां बाप को परेशानी का कारण बन जाए। नहीं मेरे भाई, मर्यादा बहुत बड़ी चीज है।
और मर्यादा में रहोगे तो कुछ पा भी लोगे, और मर्यादा का उल्लंघन किया जो पाया है वो भी खोदोगे। इसलिए हर चीज की मर्यादा। ये देखिए, यदि आज मर्यादा में रह करके राजा बलि यज्ञ भी कर रहे हैं तो आज भगवान को आना पड़ रहा है उनके दरवाजे पर, और वो भी भिखारी बन कर। क्या? और जब मांगा तो आप सब जानते हैं कि 3 कदम भूमि मांगी है, और वो भी कहा कि अपने कदमों की। और जब अहंकार दिखाया बलि ने तो भगवान ने अहंकार तोड़ दिया 2 कदमों में ही, और कहा कि तीसरा कदम कहां रखूं। और जब अहंकार टूटने का फिर समर्पण किया है, फिर भगवान छोटोगे भक्त बड़ा होगा। जब 3 कदम मांगे और 2 कदम में सब कुछ नाप लिया तो कहा तीसरा कदम कहां रखूं। और उस समय प्रहलाद भी आए हैं, और उस समय राजा बलि रोया भी है, हिलकियां देकर के रोया। वो तो प्रहलाद नहीं सारा किया, नहीं बेटा, दान देकर के रोते नहीं। या तो पहले 3 कदम देने नहीं थे, और यदि दे दिया तो रोते नहीं कि बाबा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैंने सब कुछ उलटा दिया, मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब जब आप मेरी राजधानी में आते थे तो मैं अपनी राजधानी को दुल्हन की तरह सजा देता था, और अपने बाबा के सेवा में खुद ही खड़ा होता था आकर के। आज मेरा बाबा अकेला ही आ रहा है, इसलिए रो रहा हूं मैं। और आज प्रहलाद भगवान को दोष नहीं दे रहे हैं, नहीं, उनको कह रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं, प्रभु आपने मेरे पुत्र को इंद्र जैसा ऐश्वर्य दिया, आपका धन्यवाद। और ये इंद्र जैसा ऐश्वर्य देकर के वापस छीन लिया, ये डबल धन्यवाद ले, अन्यथा मेरे बेटे को अहंकार हो जाता। देखिए, ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं। और केवल प्रहलाद ने ऐसी बात नहीं कही, बलि की पत्नी ने भी यही बात कही। उसका पति बंधा हुआ पड़ा है और सोने के कलश में जल लेकर के प्रभु के पैर धो रही है, और क्या कह रही है, ठाकुर जो यहां आकर इस धरती को अपनी मान लेता है वो एक नंबर का मूर्ख, क्योंकि ये धरती तो आपके खेलने का स्थान है, हम तो गेंद और फुटबॉल की तरह इधर घूमते हैं, जिधर तुम चाहो झोंका दे दो उधर ही जाना पड़ेगा। और यहां आकर के यदि अपने आप को कर्तापन बना बैठे तो वो एक नंबर का मूर्ख। इसलिए ठाकुर आपकी चीज थी आपने ले ली, इसमें नाराजगी की बात क्या है, लो। और उस समय ब्रह्मा आए हैं, जिसे तुम विधाता कहते हो, वो ब्रह्मा आए उस समय और कहते प्रभु आपने सब कुछ सारी लिहाज शर्म उतार के रख दी, अरे ये तो आपके सामने सारा परिवार हाथ जोड़ के खड़ा है और तू सब कुछ छीने जा रहा है। परमात्मा ने एक बार टेढ़ी नजर से देखा था किसको, ब्रह्मा को। अर्थात परमात्मा कहना चाहते भाई तू तीसरा तेली कौन है, तू क्यों आया, तेरे से कोई बात कर रहा है क्या, इसलिए जिस रास्ते से आया था भाग जा वापस, ये मेरे और भक्त के बीच की बात है, तू नहीं आएगा यहाँ। तो ब्रह्मा की इतनी हिम्मत नहीं होगी वो खड़ा रह जाए, क्यों न जाने कब इस्तीफा मांग ले, छोड़ इस पद को तू इसके लायक नहीं है। तो ब्रह्मा वापस भाग गया वहां से। और अब राजा बलि बोला है, अभी तक नहीं बोला था, अब बोला है। जब बंधा हुआ पड़ा है तब पूछ रहा है भगवान से, प्रभु एक बात पूछूं। कहता है एक क्यों बेटा, दो पूछूं। कि प्रभु ये पूछना चाहता हूं मैं कि दान बड़ा होता है कि दाता, थोड़ा ध्यान से सुनना क्या पूछा है, दान बड़ा होता है या दाता। उन्होंने कहा बेटा दान बड़ा कभी नहीं होता है, तो दाता बड़ा होता है। और जो ही ये बात कही, कहा प्रभु आप कह रहे हो ये बात, अरे बिल्कुल मैं कह रहा हूं। कहा प्रभु आपने मेरा दान कितने कदमों में नापा, कह लगे 2, अरे बाकी कितना बचा है, कह ले 1। कहा जब होगा सो देखा जाएगा, ये तीसरा कदम मेरे सर पे रख दो, कम से कम अपना वचन तो पूर्ण हो जाएगा। ये तो नहीं कहेंगे भाई वचन दे करके मुकर गया, हाँ? देख लिए एक भक्त ने भगवान को बांध लिया। और जो ही कदम रखने लगे, आज भक्त नहीं रो रहा था, आज भगवान रो रहा था। देखिए मेरे भाई बहन, सत्संग का कितना बड़ा प्रभाव है। एक शराबी कबाबी ब्राह्मण केवल एक सत्संग का शब्द लगने से कि भूल से भी यदि परमात्मा के नाम पर दे दिया जाए तो काम आता है। और वही एक कजरा चढ़ाने से, केवल इस शब्द को लेकर के
इंद्र पदवी को प्राप्त करता है। इंद्र पदवी से राजा बलि बनता है और राजा बलि बनने के बाद भी अपना धर्म और कर्म ठीक रखा तो एक दिन भगवान को भिखारी बना दिया। और अब भगवान कह रहे हैं बेटा आपका राज्य लिया और लेकर के मैंने देवताओं को दिया और यदि आपको अब दोबारा ये राज्य चाहे तो मुझे चाहे देवताओं के साथ युद्ध करना पड़े आपको राज्य वापस मिलेगा। लेकिन बलि ने कहा ठाकुर फिर तो लोग कहेंगे दान दे करके वापस ले लिया, इसलिए दान दिए हुए पर हमारा कोई हक नहीं होता और ना हमें वापस चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा भाई मेरी एक प्रतिज्ञा है क्या कि जो मेरी जिस प्रकार से सेवा करता है मैं भी उसको उसी प्रकार से सेवा करता हूं। अब मेरा फिर कर्तव्य टूट जाएगा, इसलिए जाओ बलि जब तक मैं दोबारा यही ऐश्वर्य तुम्हें नहीं दे देता जब तक आपको रसातल का राज्य प्रदान करता हूं। कहां का राज्य दिया? जो ही रसातल का राजा बनाया बलि ने कहा प्रभु अब मांगने की इच्छा हो गई क्योंकि आपने राजा बना दिया ना। हाँ जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जो जो इंसान ऊपर उठता जाता तो लोभ लालच और बढ़ता चला जाता है। छोटे आदमी जब तक रहते हैं वो उदार होता है लेकिन जो जो बढ़ना शुरू हुआ और उसमें लालच प्रवेश हुआ इतना बच जाए इतना बच जाए इतना बच जाए इतना बच जाए। तो ऐसा ही हुआ, कहा प्रभु अब लालच आ गया। करे बेटा आप भी मांग लो क्या चाहिए आपको। कहा प्रभु एक निवेदन करना चाहता हूं, तो मांगना मुंगना कुछ नहीं है। कहा कहो तो सही कि प्रभु आपने मेरे को राजा बना दिया। कह रहे हाँ इसलिए मेरी इच्छा ये है क्या है कि जब मैं दरवाजे से बाहर आऊं और दरवाजे के अंदर जाऊं तो उस दरवाजे के ऊपर आपके दर्शन होने चाहिए। भगवान ने कहा बेटा मैं बन गया क्या तेरा नौकर। नौकर मैंने तो दर्शन की भीख मांगी है। कहते पागल तूने दरवाजे पर खड़ा होने के लिए बोला है। दरवाजे पर मालिक खड़ा होता कि नौकर खड़ा होता है कि मैं दरवाजे से बाहर जाऊं और अंदर आऊं तो दरवाजे पर तुम मिलने चाहिए। हाँ मैं तो तूने द्वारपाल बना दिया इसलिए बेटा जाओ मैं बन गया आपका क्या नौकर। और आज भी कौन हमारे प्रभु वहां दरवाजे पर खड़े हैं रे बलि के आज भी जब तक उसको वो दोबारा नहीं दे देंगे। ये नहीं कि पहले थे आज भी हैं वो एक रूप से। हाँ और नारद ने जाकर के आग लगा दी वहां जाकर के वैकुंठ में रोना शुरू कर दिया। लक्ष्मी मैया कह रही है नारद तू बता तो सही रो क्यों रहा बेटा। कह रहा मैया बस आज मत पूछ आज तो बहुत बुरा हाल हो गया। अरे नारद रो क्यों रहा है? कहा मैया तुम मत पूछो ना तुम भी रोओगी फिर। कि नहीं नहीं मैं नहीं रहूंगी तू बता दो सही कि तेरे पति को बना लिया अभी आज क्या। कहा ना तेरे पति को बना लिया आज। अरे क्या बना लिया? अरे मैंने कहा तेरे पति को बना लिया आज। क्या बना लिया? कहा नौकर बना लिया तेरे पति को आज। लक्ष्मी ने भी रोना शुरू किया कहने लगी नारद इन भक्तों ने तो मेरा एक एक शरीर की एक एक कणिका से जो रक्त बनता है सारा निकाल करके पी लिया इन लोगों ने। क्यों? क्यों क्योंकि कभी उसको सुअर बना लेते हैं कभी उसको मछली बना लेते हैं। हाँ कभी उसको नरसिंह बना लेते हैं कभी उसको वामन बना लेते हैं कभी उसको राम बना लेते हैं नहीं जाने क्या क्या बना लेते हैं। हाँ लेकिन नारद ने कहा माँ एक बात कहूं। कहा बेटा कहो। कि सुनो राजा बलि को कोई बहन नहीं है। क्या कहा? राजा बलि को कोई। माँ लक्ष्मी ने कहा नारद जाओ अब मैं संभाल लूंगी जाओ। और जिसका पति एक नंबर का भैरूपिया हो उसकी पत्नी पर भी थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा ही ना क्या नहीं। अब वो कभी वामन बन जाए कभी नरसिंह बन जाए हाँ कभी कछुआ बन जाए कभी मछली बन जाए हाँ कभी राजा बन जाए कभी सेवक बन जाए तो उसकी पत्नी भी कुछ बन सकती है कि नहीं बन सकती है। उसने भी आज बहन का रूप बनाया और सीधी बलि के दरवाजे पर पहुंची और दरवाजे पर कौन खड़ा है बोलो। और अंदर जाने लगी बगैर पूछे नारद ने रोक दिया कहां जा रही है कि तुम्हारा दिमाग खराब है। भगवान ने कहा मेरा तो दिमाग ठीक है तुम्हारा खराब हो गया। स्वामी मैं तुम्हारी पत्नी पहचाना नहीं
कि अच्छी तरह पहचान लिया कि तू मेरी पत्नी हो, लेकिन ये पति पत्नी का रिश्ता घर में चलता है या मैं नौकरी कर रहा हूँ किसी की, बाहर निकल बाहर। हाँ यहाँ क्या मतलब क्या है, ये घर में, लेकिन यहाँ मैं किसी का नौकर हूँ, इसलिए जब तक मालिक की इजाजत नहीं आती आप अंदर नहीं जा सकती। कहा स्वामी मेरी बिल्कुल भी नहीं चलती यहाँ, कि यहाँ नहीं चलेगी आपकी। और दोनों की तू 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 तड़ाक हो गई वहां, और ये आवाज सुनी राजा बलि को, राजा बलि ने आवाज दी, क्या है महाराज, कि पता नहीं कोई औरत आई है और वो आपसे मिलना चाह रही है। बलि ने कहा आने दो। कहा अब मालिक की इजाजत मिली जा सकती है। अंदर गई और अंदर जाते ही रोना शुरू, इतनी लंबी लंबी आंसू, हाय राम, और माताओं के आंसू भी यहां रखी रहती, रोना शुरू। राजा बलि को बेचारे को पसीना आ गया, भाई ये रो क्यों रही है। बेचारे सिंहासन से नीचे उतरे, आकर के दोनों हाथ रखे, बहन रो मत, आपको क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है। और फिर दूसरी बात, मेरे मुख से पहली बार किसी को बहन निकला है, जब मैंने बहन कह ही दिया तो अपने भाई के रहते हुए आपको रोना ये शोभा नहीं देता। आप मांगो क्या चाहिए, कि भैया इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं अनाथ की तरह घूम रही, कि मैंने जब बहन कह दिया मैं हूं ना तेरा भाई के होते हुए बहन अनाथ कैसे हो सकती है। इसलिए जो जिस तरह से रहना चाहिए अपने भाई के घर में रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसलिए लक्ष्मी मैया वहीं रहने लगी। और एक दिन आया राखी का त्यौहार, हाँ आज राखी सजा वजा करके, दीपक जला करके, उसमें लग करके मिठाई, और चली आज राजा बलि की ओर। और जो ही राजा बलि के सामने गई और राजा बलि ने देखा, रे वाह, कोई पहली बार मेरी कलाई के ऊपर राखी बांधेगी बहन। राजा बलि रो पड़ा, क्यों, क्योंकि बहन की ममता सारी दुनिया से अलग होती है। रे ने क्या क्या उस धागे के अंदर क्या क्या अरमान छुपे होते हैं, उसको तो कोई बिरला भाई ही समझ पाएगा। जिसको बहन नहीं है उससे जाकर के पूछो उस दिन कैसा सुनापन महसूस करता है। कितने भाइयों को मैंने रोते हुए देखा है उस राखी के त्योहार के दिन। और आज बलि की आंखों में आंसू हैं, रो रहा है। और आज लक्ष्मी अर्थात जिसको बहन बनाया उससे राखी बंधवा रहे हैं, राखी बंधी और कहने लगे, बहन आज मांगो जो आपको चाहिए, अपना सर्वस्व भी लौटा दूंगा आपके लिए, जरा मांगो तो सही। कहता भैया मेरे पास कोई कमी नहीं है, आपके प्यार से भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है, मेरे घर में सब कुछ है, इसलिए कुछ नहीं चाहिए। कि नहीं नहीं बहन आपको आज तो आपने मांगना ही पड़ेगा। कि नहीं चाहिए भैया कुछ भी, नहीं नहीं बहन आपने आज तो मांगना ही पड़ेगा। कहा भैया दे दोगे फिर, कहते हाँ बहन दे दूंगा, मांगो तो सही। कि भैया डर लग रहा कभी मना कर दो आप, कि नहीं नहीं बहन मिलेगा आपको, क्या चाहिए आपको। कि भैया केवल मेरे घर में एक चीज की ही कमी है। किस चीज की, मांगो वही चीज पूरी करो। कि नहीं नहीं भैया डर लगता कभी तुम इनकार कर दो। कहता नहीं नहीं बहन आप मांगो, किस चीज की कमी है। कहा भैया मेरे घर में केवल एक द्वारपाल की कमी है, वो द्वारपाल मुझे दे दो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और राजा बलि की आंखें लाल हो गई। द्वारपाल को मांगने वाली आखिर है कौन, इसकी हिम्मत कैसे हुई। और जो ही आंख बंद करके देखा, ओहो ये तो मां लक्ष्मी खड़ी है। और राजा बलि मुस्कुराए और कहा जाओ मां, एक दिन आपके पति देव मांगने के लिए आए थे और मैंने सब कुछ लौटा कर उनको अपना बना लिया, हाँ त्रिलोकी नाथ को अपना बना लिया। और जाओ आज त्रिलोकी नाथ को भी आपको दान करके मैं जीत गया दोनों से और तुम दोनों हार गए। सत्संग क्या नहीं करवा सकता भाई, सब कुछ सत्संग के अंदर ही आता है, लेकिन तुम करो तो सही। आगे सूर्य और चंद्र वंश का वर्णन है नवम स्कंद में, और दोनों वंशों की मुख्य मुख्य बात करा देता हूं क्योंकि हमारे लड्डू आएंगे फिर, ठीक है ना। दोनों की मुख्य बातें बता देता हूं। एक की मुख्य बात यह है, सूर्य वंश का वर्णन पहले है, उसकी मुख्य बात यह है कि बगैर पुत्रेष्टि यज्ञ के किसी के यहां बेटा बेटी नहीं हुआ। यहां इनको यदि बेटा बेटी मिला है तो यज्ञ करवाने के बाद ही मिला है, बगैर यज्ञ के। यहां चाहे सूर्य नारायण हो और या सूर्यवंशी दशरथ जी हो, सबको यज्ञ के द्वारा ही बेटा बेटी मिले हैं। और
चंद्रवंश की तो बड़ी प्यारी विशेषता है, बता दूं? हाँ, कहते हैं यहां बगैर लड़ाई झगड़े की किसी की शादी नहीं हुई। इनकी शादियों में थोड़ी बहुत तू तू मैं हुई ही है, चाहे वो चंद्रदेव हो और या चंद्रवंशी श्री कृष्ण हो, यहां इनकी शादियों में थोड़ी बहुत तू तड़ाक हुई ही है। और सूर्यवंश के बड़े प्यारे प्यारे भक्त रहे हैं, अम्बरीश जैसे, बड़ी प्यारी कन्याएं भी रही हैं, सुकन्या जैसी, ययाति जैसे, रघु जैसे, हाँ दशरथ की तो आप जानते ही हो, हाँ तो आओ थोड़ा राम जन्म मना ले गाएं। गाएं क्या आती है आपको? स्तुति करेंगे, चलो राम स्तुति, क्योंकि अगले वर्ष 25 तारीख से ही और 1 तारीख तक यहीं पर इसी जगह पर राम कथा का निमंत्रण आ चुका है, फिर राम कथा सुनाएंगे उस समय। हाँ
राजा राम 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 चंद्र भगवान की जन्म लियो है चारों भैया गाऊं क्या ओहो फिर तो 12 बजेंगे भी चारों भैया अवध में बाजे बधैया
आशीष देत सब गुरु जनो मुझे ते आशीष देत सब गुरु जनो शांति का दान दे ले। अब ठाकुर को बुलाते हैं जल्दी से, ठीक है ना? फिर लूटेंगे आनंद। और एक और शुभ समाचार दे देता हूं, हमारे धर्मवीर काला हमारे बीच में पहुंचे हैं, जो आप लोगों को निमंत्रण देने आए हैं। 6 से 13 यही दरियापुर आपकी दिल्ली में बड़ा भव्य आयोजन श्रीमद् भागवत का होने जा रहा है। इसके तुरंत बाद 6 जनवरी से, तो आपको निमंत्रण लेकर के आपके बीच में खड़े हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। हमारे बीच में पधारे हैं, एक बार फिर जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए इनका।
और इसके साथ साथ सीतापुर लखनऊ से भी वो जो इसके बाद तुरंत कथा होने वाली कल ननेड़ी वाले आ गए थे क्योंकि वो भी जनवरी में थी और उसके बाद सीतापुर लखनऊ वाले भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। निमंत्रण फरवरी का लेकर क्योंकि 6 फरवरी से 13 फरवरी उनके भी यहाँ भी भागवत है। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत। आइए अब ले चलते हैं आपको लड्डू गोपाल की ओर। चले बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब सुनिए भाई सब नीचे उतर जाइए, आराम से बैठ जाओ, सब बैठ जाओ 10 मिनट के लिए, बस केवल 10 मिनट के लिए बैठ जाइए, बैठ जाओ अपने अपने स्थान पर, यहीं बैठ जाओ जहां हो, कोई भी उठेगा नहीं। और बच्चों को बोलो ये शोर ना करे, क्यों? क्योंकि अब हमारे कन्हैया आएंगे, यदि कंस मामा उठ गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। अब तो खांसना भी मना है क्योंकि चारों तरफ पहरे लगे होंगे भाई, ठीक है। इसलिए जो बोलेगा तो भाई मामा कंस उसके घर में दमक जाएंगे, फिर देख लेना, ठीक है। इसे चुप्पी बोले वृंदावन मुनि सुखदेव नौम स्कंद के अंत में बोलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नौम स्कंद के बिल्कुल आखिरी श्लोक की आपके सामने व्याख्या कर रहा हूं मैं। उन्होंने कहा मेरे ठाकुर ने मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूला, वृंदावन में जाकर के लीलाएं की, उसके बाद थोड़ा ध्यान देकर के सुनो, आप चुप बैठिए ना। उसके बाद एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17-17 बार आक्रमण किया मथुरा के ऊपर, तो फिर मथुरा में लौट आए, 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने, फिर वहां से भाग करके मेरे ठाकुर ने द्वारिका का निर्माण किया। और द्वारिका में जब आराम से रहने लगे थे तो पांडवों ने जाकर के झोली फैला ली, हमारी रक्षा करो, उनकी रक्षा के लिए यही दिल्ली इंद्रप्रस्थ में आए हैं। और इसके बाद जब अपने कुल में वापस गए हैं तो अपने कुल का उद्धार अपने हाथों से करके ठाकुर अपने स्वधाम गमन कर गए। और इतना कहकर मुनि सुखदेव मौन हो गए, और जो ही मौन हुए राजा परीक्षित तिल मिला गए। यद्यपि 4 दिन और 4 रात्रि हो गए थे बैठे बैठे, आप लोगों की तरह 2-4 घंटे नहीं बैठे थे वो, 4 दिन और 4 रात्रि लगातार बगैर खाए पिए बैठे थे वो। और बैठने के बावजूद जब चुप्पी की मुनि सुखदेव ने तो राजा परीक्षित तिल मिला गए और कहने लगे गुरुदेव हो गई कथा। मुनि सुखदेव ने कहा बेटा सुना तो दी कि देखो प्रभु आपने सूर्य वंश का वर्णन किया बहुत अच्छा लगा, सूर्य वंश का वर्णन किया वो उससे भी अच्छा लगा, लेकिन जो मेरे ठाकुर की ये पहेलियां बुझा करके चुप हो गए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे उस ठाकुर की तुम पहेलियां बुझा रहे हो किस, जिस ठाकुर का सहारा लेकर के मेरे बाबा महाभारत रूपी समुद्र को ऐसे ही पार कर गए जैसे कोई व्यक्ति गऊ के बछड़े के खुर के गड्ढे को पार कर जाता है, अन्यथा मेरे बाबाओं की क्या ताकत थी कि वो दानवीर कर्ण का सामना कर ले, मेरे बाबाओं की क्या ताकत थी कि वो द्रोणाचार्य का सामना कर ले, मेरे बाबाओं की क्या ताकत थी वो कृपाचार्य का सामना कर ले। अरे इतने बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े थे वहां, एक ही मगरमच्छ मेरे पांचों बाबाओं को खा जाता। और जिस मेरे ठाकुर का सहारा लेकर के मेरे पांचों बाबा ऐसे ही महाभारत रूपी समुद्र को पार कर गए जैसे कोई गौ के बछड़े के खुर के गड्ढे को पार कर जाता था, पता ही नहीं लगा। और फिर दूसरी बात मेरी लीजिए आप, मैं तो अपने मां के पेट में मर ही चुका था, जिसने मरे हुए को पेट में ही जीवित करके स्कूल का दीपक बना दिया। अरे जिसके ऊपर श्राप लग चुका था, श्राप के कारण भी उस शब्दरूपी शस्त्र को काटने के लिए शब्दरूपी शस्त्र आप जैसे मुनि को मेरे पास भेज दिया, और उसी ठाकुर की आप पहेलियां बुझा करके चुप हो गए।
कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मैंने तो सुना है कि बलराम जी दो माताओं के बेटे कहलाए, वो देवकी के भी बेटे कहलाए और रोहिणी के भी बेटे कहलाए। एक ही बालक एक समय में दो माताओं का कैसे हो सकता है, दो जगह पैदा कैसे हो सकता है? गुरुदेव, मैं तो अपने प्रभु की लीलाओं को विस्तार से सुनना चाहता हूं। क्यों वो गोकुल में आए, क्यों उन्होंने मथुरा में जन्म लिया, क्यों उन्होंने वृंदावन में लीलाएं की और क्यों फिर वो द्वारिकापुरी का निर्माण किया, क्यों इंद्रप्रस्थ में गए, क्यों पांडवों की रक्षा की, क्यों फिर अपने ही हाथों से अपने मामा को मारा और क्यों फिर अपने ही हाथों से अपने कुल का संहार करवाया? ऐसा कौन होगा जो अपने कुल को अपने हाथों से मारेगा? ऐसा कौन होगा जो अपने मामा को अपने हाथों से मौत की घाट उतारेगा? इसलिए मैं तो अपने ठाकुर की लीलाओं को विस्तार से सुनना चाहता हूं। और जब इतना भाव देखा, आज इतना बड़ा भाव देख करके एक गृहस्थी को ऋषि कह रहे हैं, ये योगी। देखिए रे, पात्रता कितनी बड़ी चीज होती है। एक गृहस्थी को ऋषि की पदवी पर बैठा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनो। क्यों? क्योंकि कथा में ऐसी रुचि देख करके, प्रभु नाम में ऐसी रुचि देख करके, सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राज ऋषि सतम। क्या कहा? राज ऋषि कह दिया, इसे ऋषि की पदवी पर बैठा दिया। हे राज ऋषि, मैंने तो इसलिए थोड़ी देर आपको रोका था। क्यों? क्योंकि आप राजा ठहरे, इतनी देर कभी बैठे नहीं होंगे और आपको बैठे बैठे 4 दिन और 4 रात बीत गए, इसलिए बेटा मैंने तो इसलिए रोका। और फिर दूसरी बात, माँ गंगा में अमृत बह रहा है बेटा, माँ गंगा का थोड़ा अमृत ग्रहण कर लो, पियो बेटा। लेकिन जरा राजा परीक्षित का वक्तव्य सुनो रे। उन्होंने कहा, गुरुदेव अमृत तो पीना चाहता हूं लेकिन गंगा में बहने वाला नहीं, तो आपके मुख से निकलने वाला अमृत पीना चाहता हूं, इसलिए बोलो। और तब ऐसे पात्र के लिए आज मुनि सुखदेव ने कहा, बेटा तेरे को जरूर सुनाऊंगा। एक बार ये पृथ्वी पापियों से भर चुकी थी, और ध्यान रखना मेरी भाई बहन, माँ हर दुख सहन कर सकती है लेकिन बेटा यदि कुकर्म हो जाए तो वो उसके लिए सबसे बड़ा पाप बन जाता है। ठीक इसी तरह धरती माँ कितनी भी दुनिया बढ़ो सबका भार सहन कर सकती है, यदि इसके ऊपर पापी ज्यादा हो जाए तो उस भार को सहन नहीं कर पाती फिर। इसलिए पृथ्वी ने गऊ का रूप बनाया और देवताओं के पास गई और देवताओं के पास जाकर कहा, हे देवताओं मुझे बचा लो क्योंकि पापी बहुत हो गए और यदि आप नहीं बचाओगे तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। देवताओं ने कहा, माँ हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए गौ माता जो गाय का रूप बना के गई थी, गौ माता यज्ञ के, ये धरती माता जो गाय का रूप बना करके देवताओं के पास गई, देवता दोनों मिलकर ब्रह्मा के पास गई और कहा, ब्रह्मदेव गौ धरती माता की रक्षा करो ताकि ये लोग रह सकें। ब्रह्मा ने कहा, मेरे बस की बात भी नहीं है। इसलिए ब्रह्मा देवता और धरती तीनों मिलकर प्रभु नारायण के चरणों में समर्पित हुए और नारायण से निवेदन किया। इसलिए भगवान नारायण ने आकाशवाणी की और वो आकाशवाणी केवल ब्रह्मा को सुनाई दी और आकाशवाणी ने यही कहा कि ब्रह्मदेव धरती को कहो, पृथ्वी को कहो कि मुझे पता है, इसलिए मैं आ रहा हूं, मैं वहां आकर लीला करूंगा। क्यों? क्योंकि आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग की प्राणी तप तो कर नहीं पाएंगे, सत्य पर तो रह नहीं पाएंगे, इसलिए मैं तो वहां आकर के लीलाएं करूंगा और जो जो प्राणी मेरी उन लीलाओं का कलयुग में रहकर भी गान करेगा उसके ऊपर कलयुग कभी हावी नहीं होगा, इसलिए उनके भविष्य के लिए मैं धरा पर बाल लीला करने के लिए मानव रूप लेकर के आ रहा हूं। इतनी आकाशवाणी करके आकाशवाणी मौन हो गई। ब्रह्मा ने को ये भी कहा कि जिस भी देवी देवता ने मेरी सेवा करनी है वो यदुवंश में जाकर के जन्म ले ले। तो जो ही प्रभु ने कहा तो जितने भी यदुवंश में थे सारे देवी देवता ही आए हुए थे मेरे भाई, कोई साधारण आदमी नहीं था उसमें। क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री के आने से पहले, किसी मंत्री के आने से पहले उसके सुरक्षाकर्मी, उसके बॉडीगार्ड्स, उसके पार्टी के सदस्यगण दुनिया को इकट्ठी कर करके खड़े हो जाते हैं, ठीक इसी तरह
ठाकुर के आने से पहले जितने भी यदु कुल में थे सारे देवी देवता ही थे और इंतजार कर रहे थे कब मेरा ठाकुर आएगा। और आओ ले चलते हैं आपको एक बार मथुरा। उस समय के राजा थे उग्रसेन और उनके यहां एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा पंडितों ने कंस। क्या नाम रखा? और पैदा होते ही पंडितों से पूछा, भैया बताओ ये लड़का कैसा रहेगा? उन्होंने कहा, राजन या तो अभी और इसी वक्त इसको यमुना में बहा दो अन्यथा तुम्हारे कुल का कलंक बनेगा। ये राजा ने उन ब्राह्मणों की बात मानकर उसको यमुना में बहा दिया और वो बच्चा यमुना में बहता हुआ जा रहा था। तो आगे मथुरा से आगे सौरी नाम का गांव है, आज भी है, वहां सूरसेन जी रहते थे। वो यमुना में स्नान करने आए थे, देखा तो एक छोटा सा बच्चा बहता हुआ जा रहा था। दौड़ करके सूरसेन जी ने निकाल लिया और कहने लगा, अरे कैसे निर्दयी लोग हैं, पैदा होते ही छोड़ देते हैं। और अपने घर लेकर के चले गए और घर ले जाकर अपनी पत्नी से कहा, देवी लो परमात्मा ने एक तो पहले ही बेटा दिया था हमें वसुदेव, ये दूसरा और दे दिया, इसका भी पालन पोषण करो। इसलिए दोनों बच्चे सूरसेन के घर में बड़े होने लगे। जब 10-10, 12-12, 14-14 वर्ष के हो चुके थे, बाहर खेल रहे थे, इतने में देवऋषि नारद का आगमन हो गया और देवऋषि नारद ने आते ही दोनों बच्चों से पूछा, बेटा हो किसके हो? दोनों ने कहा, हम तो सूरसेन के बेटा है, तुम्हारा नाम वसुदेव, तुम्हारा नाम कंस। कि भाई वसुदेव सूरसेन जी को तो एक ही बेटा था वसुदेव, ये दूसरा कहां से आ गया? कि नहीं नहीं हम तो दोनों नहीं के हैं। कि नहीं नहीं एक ही था उनका तो वसुदेव, हम आए थे उस समय, ये दूसरा कहां से आ गया? कहता, फिर मैं कौन हूं? कि तू पागल, सूरसेन का बेटा नहीं है तो? तू तो यहां के राजा का बेटा है पागल, तो फिर यहां कैसे आ गया? कहा, ये सब पंडितों की मेहरबानी है, तेरे पापा को भड़का दिया और तेरे पापा ने भड़क उनकी बातों में आकर तेरे को बहा दिया, ये तो धन्यवाद कर सूरसेन जी का, तेरे को बचा लिया पागल। इसलिए दुष्ट तो पहले ही था कंस, वहीं से आग बबूला हुआ और सूरसेन के घर को भी छोड़ा और सीधा पहुंचा कैलाश। कहां पहुंचा? और वहां जाकर के भोले बाबा की आराधना की। एक अंगूठे के पैर पर, पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर वो आराधना की कि भोले बाबा को आना पड़ा। और भोले बाबा ने कहना पड़ा, बेटा क्या चाहिए? कि ऐसा वरदान दे दो कि मैं किसी से मरू ही ना। उनने कहा, भैया ऐसा तो हो नहीं सकता कि तू मरे ही ना, क्योंकि जो आया है वो मरेगा। कहने, नहीं ऐसा वरदान दो कि मैं किसी से मरू ही ना। कहते, इतनी पावर मेरे अंदर नहीं भाई, मेरे पास ये धनुष है, इस दुनिया में कोई इस धनुष को तोड़ नहीं सकता, और यदि इस धनुष को किसी ने तोड़ दिया तो वो तेरे को छोड़ नहीं सकता, ये मैं तेरे को देता हूं। और साथ साथ में 10,000 हाथियों का बल देता हूं। कितने हजार हाथियों का बल दिया? लेकर के वहां से चला और चल करके अपनी राजधानी की ओर आ रहा था और बीच में शिविर पड़ा हुआ था, किसका? जरासंध का। और उस शिविर से कुवलिया पीड नाम का हाथी बिचर चुका था, वो सेना की काबू में नहीं आ रहा था। तो वहां से जा रहा था कौन? कौन जा रहा था वहां से? वहां से कंस जा रहा था। और कंस ने उसका कान पकड़ा और बांध दिया, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल आ चुका, अब एक हाथी की क्या चलेगा। जरासंध को बड़ा आश्चर्य हो, भाई एक आदमी ने और इस हाथी को बांध दिया, इसका मतलब बहुत बड़ा वीर है। इसलिए उसकी वीरता पर प्रसन्न होकर जरासंध ने अपनी दो बेटियों की शादी अस्थि और प्राप्ति कंस के साथ कर दी। और कछु तो मियां बावरे कछु पी लई भांग, कुछ तो भोले बाबा ने ताकत दे दी, दूसरी ताकत और मिल गई। हाँ? और यहां से चला उसको लेकर के, और जो ही मथुरा में पहुंचा वहां तो ब्राह्मण देवता स्वाहा स्वाहा करने लगे हुए थे। ओम गणानंद गणपति गंगवामहे, प्रियानंद प्रियपति गंगवामहे, निधिनंद निधिपति गंगवामहे, बसो मम आहम जानि गर्वधम त्वम जासि गर्वधम। ओम गंगणपतये स्वाहा। और जो हो स्वाहा स्वाहा करते देखे, देखा पंडितों का यही है जड़ सारी। इसलिए
वो जो जो स्वाहा कर दे पकड़ा जाकर के पंडित जी का हाथ और यमुना में, और उसके यज्ञ को भी उठाया यमुना में, और ब्राह्मण देवता सारे भागे उग्रसेन के पास, कहा महाराज कोई कंस नाम का आदमी आया और वो सता रहा है। उग्रसेन जी बाहर आए, रे क्यों रे दुष्ट क्यों सता रहा है भूदेवों को? अच्छा हमारी बिल्ली और हमको ही मैं हूं। पकड़ा अपने पापा का हाथ और ले गया अंदर, जाकर के जेल में बंद, और अपने आप गद्दी पर बैठ गया और ऐलान करवा दिया सब में, क्या न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम द्विजा क्वचित इति न वार्य धर्म भेरी घोषेडु सर्वसा। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई पाठ नहीं करेगा, हाँ सब कुछ बंद। और बात भी सच्ची है मेरे भाई बहन, जिस व्यक्ति की मौत नजदीक आ गई हो वो पूजा से दूर भागेगा, उपासना से दूर भागेगा वो। लेकिन जो प्रभु के नजदीक जाना चाहता है वो उपासना कभी नहीं छोड़ेगा। उपासना का मतलब होता है प्रभु के समीप चले जाना। ये उल्टे लगने हो वो परमात्मा से द्वेष करता है। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो परमात्मा को नहीं चाहता। क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोता नहीं? बोलो, क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोता नहीं, जिसको नींद नहीं आती हो? और नींद क्या है? ये ठाकुर का स्वरूप है। जैसे माँ अपने गोद में लेकर के बच्चे को विश्राम कराती है, ठीक इस तरह परमात्मा भी तुम्हें नींद रूपी गोद में लेकर तुम्हें नया जीवन देते हर रोज। क्योंकि जब दुनिया का में काम करते 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 आप थक जाते हो, नींद में जाकर आराम से सो जाते हो, ना वहाँ धन याद आता, ना वहाँ पत्नी याद आती, ना वहाँ कोई पति याद आता, है ना कोई घर याद आता, ना कोई बेटा याद आता, लेकिन तुम्हें शांति मिलती है कि नहीं मिलती? बोलो। और जरा एक दो रात नींद ना आए और फिर अपने इस थोबड़े को देखना जाकर के, चेहरे अपने चेहरे को देखना वहां जाकर, ऐसा लगेगा जैसे अभी अभी पुलिस से पिट करके आया हो। हाँ, और जरा सा थक करके आया और दो घंटे की प्यारी सी नींद आ जाए, आहा, और फिर जाकर के अपने चेहरे को देखना, गुलाब के फूल की तरह दमकता होगा वो, है ना? यही तो रूप है। सब चाहते हैं ठाकुर को, वैसे ऊपर ऊपर से कोई बवंडर करे, लेकिन नींद सभी को प्यारी लगती है, और नींद ठाकुर का ही तो रूप है। क्योंकि करहु सदा तिनकी रखवारी और जिमी बालक राख है मैं तारी। रामायण पढ़ के देख लेना, वेदों की बात तो छोड़ दो, उसमें साफ लिखा है करहु सदा तिनकी रखवारी और जिमी बालक राख है महतारी। जैसे माँ अपने बेटे की देखरेख करती है, ठीक इसी तरह मैं भी हर रोज आप लोगों की देखरेख करता हूं, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। और उसके बाद बुरा हाल कर दिया कंस ने, सारी दुनिया का त्राही त्राही मच गई क्योंकि बुरे कर्म करने लगा। लेकिन जब सारी दुनिया गाली देने लगी तब सोचा रे कोई अच्छा काम भी कर दे ताकि दुनिया बुराई करना थोड़ा बहुत तो बंद करे। तो अच्छा काम क्या करूं कि मेरे चाचा देवक की बेटी देवकी जवान हो गई है, लाओ ना उसकी शादी कर दो। इसलिए अपने चाचा की बेटी की शादी के लिए मंत्रियों को इकट्ठा किया और पूछा रे मेरी बहन के लिए कोई अच्छा सा दूल्हा देखो ना। मंत्रियों ने कहा रे वसुदेव से अच्छा दूल्हा कौन होगा, तो उसके पास भी रहा, उसके नेचर के बारे में भी जानता है, जरा वसुदेव की शादी करो ना। इसलिए वसुदेव के साथ शादी पक्की की, और वसुदेव के साथ शादी पक्की करके फिर क्या किया, अपनी बहन की शादी का दिन वो आया और अपनी बहन की शादी करके अपनी बहन को खुद ही छोड़ने के लिए जा रहा है। और इतना बड़ा दहेज दिया मेरे भाई, आज तक भूतों ने भविष्यत, और आज अपनी बहन का सारथी बनकर के अपनी बहन को छोड़ने भी खुद ही जा रहा है। लेकिन ये देवता जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन पेट में बात पचती नहीं, हा? इनका स्वरूप भी माताओं जैसा ही होता है ना, इतनी भोली होती हैं, अंदर के गहरे से गहरे रहस्य को भी दूसरे के सामने रख देती हैं। ले ये क्यों,
क्योंकि माताएं जो सोचती हैं वो दिल से सोचती हैं, पुरुष जो सोचता है वो बुद्धि से सोचता है, इसलिए वो विचारों में ही डूबा रहता है, वो दिल तक बहुत लेट पहुंचता है। इसलिए पुरुष से माताओं में 8 गुना भाव ज्यादा होता है, 1-2 गुना नहीं, कितने गुना? हाँ, और इन्हीं के धर्म कर्म पर पृथ्वी टिकी है, नहीं तो ये तो बेचारे ऐसे भोले भंडारी हैं, मुझे धक्का स्टार्ट है, श्रीमती जी धक्का दे ले, जबरदस्ती कर ले तो आ जाए, नहीं तो बैठे रहे बेचारे।